नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर बोरावट से। रक्षाबंधन पर्व पर हाथ से बनाई राखियों की मांग बढ़ने के साथ बिक्री बढ़ने से यहां सुंदर सजीली राखियां महिलाओं को स्वरोजगार देने में वरदान साबित हुई है। वैदे ही राज शिक्षा केंद्र एवं महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र मकराना के संयुक्त प्रयास एवं प्रेरणा से यह राखियां गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही है। बुधवार को मकराना रोड स्थित बालाजी मंदिर में हाथ से बनी राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बालाजी कॉलोनी सहित आसपास की महिलाओं ने राखियों की खरीदारी की। बरखा सोनी ने बताया कि समिति में उनसे राखियां बनवाई गई हैं, जो उन्हें आजीविका में मदद कर रही हैं। बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैदेही राज शिक्षा केंद्र की अनूठी पहल रंग ला रही है, जो उनकी आजीविका में मदद कर रही है। इससे पहले से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी 20 से अधिक जरूरतमंद परिवार की महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हुई। जानकारी अनुसार समिति से जुड़ी महिलाएं पिछले कई वर्षों से राखियां बना रही है। इनसे महिलाएं 1500 से 2000 रुपए तक कमा लेती है, लेकिन इसके अलावा सर्दियों के मौसम में पारंपरिक उत्पादों में तरह तरह की बढ़िया बनाती है, जिन्हें प्रतिमाह 3 से 5 हजार रुपए कमा लेती है। इन महिलाओं ने करीब 20 से 30 वैरायटी की राखियां तैयार की है। इसमें स्पाइली, क्लावा, बीड्स, चंदन, पेपर क्विलिंग, इको फ्रेंडली, मोती कुंदन, लड्डू गोपाल आदि तरह की राखियां हैं। ये राखियां ऑर्गेनिक रंग से रंगी गई है। इस बार इन महिलाओं ने 5000 से अधिक राखियां बनाई हैं। इनकी कीमत 10 से 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। संस्था की जुड़ी महिलाओं ने बताया कि परिवार का भरण पोषण बेहद मुश्किल होता था, लेकिन जब से संस्था से जुड़ी आत्मनिर्भर होने के साथ ही कई नई चीजें सीखने को मिली। इस तरह के काम से हम बड़ा आर्थिक सहारा मिला है। संस्था पदाधिकारी बताते हैं कि महिलाएं खुद ही मनी मैनेजमेंट करती हैं। हम इनके प्रशिक्षण व कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। इन महिलाओं की ओर हस्तनिर्मित राखियों का स्टॉल भी लगाया जा रहा है। लोगों को भी इन महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए खरीदारी करनी चाहिए। नाम वाला बनाया क्या? नाम वाला मेरा बने गया यार, बना देना यार जल्दी, चेन्नई भेजना मुझे। खबर कुचामन से। महावीर इंटरनेशनल कुचामन के सदस्यों के साथ महावीर विकलांग समिति जयपुर के अजमेर के प्रभारी सुरेश मेहरा की एक आवश्यक मीटिंग का आयोजित की गई है, जिसमें स्वर्गीय देवी प्रसाद, स्वर्गीय दिनेश कुमार की पुण्य स्मृति में रामावतार हरीश टिडवानिया शिविर व्यवस्था सहयोग से सभी विकलांगों को जरूरतमंद उपकरण हेतु दिनांक 8 व 9 अगस्त को जैन स्कूल कुचामन में वह 10 अगस्त को जैन भवन मारोच में चिन्हित कर जल्द ही शिविर आयोजित कर विकलांगों के टाई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की BTI मशीन, बुजुर्ग छड़ी, ब्लाइंड स्टिक, जयपुर फुट, कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ के लिए छूट बेल्ट शिविर में वर्कशॉप लगाकर नाप से तैयार कर लगाए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल के जोन कोषाध्यक्ष वीर सुभाष पहाड़िया, सचिव वीर राम अवतार गोयल, वीर कोषाध्यक्ष वीर सुरेश गंगवाल, वीर अजीत पहाड़िया,
वीर तेज कुमार बड़चात्या, वीर अशोक अजमेरा, हितेश रारा मारोट, मनोज गंगवाल नावा, कमल मोयल व्यावर, सुरेश मेहरा पत्रकार, दिलीप कुमार अजमेर ने मीटिंग में यह किया गोदी में लावोल चलाकर ले जाओ की भावना से कोई भी निशक्जन वंचित नहीं रहे, सभी से सहयोग की आशा व्यक्त की गई। वीडियो पे तो नहीं कर रखा ना आपने? तीन दिवसीय विशाल निशुल्क विकलांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपका परिचय देते हुए बताएं। भगवान महावीर विकलांग सहायता जयपुर की ओर से समस्त उपकरण, जिसके अंदर ट्राईसाइकिल्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, कृत्रिम हाथ हैं, कृत्रिम पैर हैं, कैलिपर्स हैं, शूज हैं, बेल्ट है, ब्लाइंड स्टिक है, बुजुर्ग छड़ी है, बैसाखी है, समस्त बीटी स्पेशल की कान की मशीन, जो बीटी जो डफ एंड डी बच्चे भी सुन सकते हैं, इस समस्त निःशुल्क उपकरणों के पूर्व कुचामन के अंदर मारोठ में तीन दिवसीय ये चिन्हीकरण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं सभी आकर अपना चिन्हीकरण करावें, जिसमें आगामी दिनों में समिति की मीटिंग करके उनको सबको उपकरण वितरण किए जाए। खबर मकराना से, हिंदू युवा वाहिनी तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोड़ा, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संजय बोराना, प्रदेश मंत्री योगेंद्र शर्मा और नागौर जिला अध्यक्ष मदन लाल कुडलिया दलेलपुरा के निर्देशानुसार तहसील अध्यक्ष चिरंजीवी गिरी गोस्वामी ने लॉकडाउन की पालना करते हुए नगर अध्यक्ष पद पर मुकेश कुमार अग्रवाल व तहसील प्रभारी नमन जैन, नगर संयोजक धर्मेंद्र रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत कुमार दादिच, उपाध्यक्ष पद पर अजय सिंह व राजू शर्मा तथा अशोक राजपुरोहित को शामिल किया गया। हिंदू युवा वाहिनी मकराना नगर व तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। हिंदू युवा वाहिनी संरक्षण योगी आदित्यनाथ की मकराना इकाई की कार्यकारिणी का विस्तार प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोड़ा, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संजीव बोराना, प्रदेश मंत्री योगेंद्र शर्मा और नागौर जिला अध्यक्ष मदन लाल कुलड़िया व तहसील अध्यक्ष चिरंजीवी गिरी गोस्वामी के निर्देशानुसार, जिसमें प्रभारी मन चैन, संयोजक धर्मेंद्र राकावत, अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत कुमार दादिच, उपाध्यक्ष अजय सिंह, राजू शर्मा व अशोक राजपुरोहित को कार्यकारिणी में लिया गया।